तो जो जो लोगों को जिससे फ़ायदा हो रहा है, जो जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, उन सब का स्टडी करके, रिसर्च करके हमने उनको मान्यता देनी चाहिए। मैं आपको और एक बात बताऊंगा कि मुझे बजाज स्कूटर के मालिक MD राजीव बजाज मुझे मिले थे और उन्होंने मुंबई के एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ रिसर्च करके तैयार की, कुछ उसका अनुभव भी किया है। जब बजाज कह रहे तो उन्होंने उसका बहुत अध्ययन करके ही कहा था और उनने मुझे कहा कि पूरे देश में फ्री ऑफ चार्ज जितने लोगों को लगती है मैं ये मेडिसिन मुफ्त में मेरे तरफ से स्पॉन्सर करके देने वाली हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, जो कोरोना के लिए निश्चित रूप से प्रिवेंटिव के रूप में काम करेगा। ये विशेष रूप से एक बात ध्यान में आई है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना ये सबसे आवश्यक है और इम्यूनिटी जिनकी अच्छी है उनके ऊपर कोरोना अटैक नहीं कर रहा है। आयुर्वेद की भी बहुत सी बातें ऐसी हैं, जैसे आंवला का जूस है, हमारे संतरे जैसे फ्रूट्स हैं और बहुत से आयुर्वेदिक मेडिसिन से एलोवेरा का है, तो इसके बारे में बहुत बड़े प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद के, होम्योपैथी के और अल्टरनेटिव पैथी जो कुछ है, यूनानी से लेकर सबका, इसका उपयोग करके हम हिंदुस्तान में भी एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को मिले ही पर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए इसमें आगे जाएं।